रानी डाइडो की कहानी। ये कहानी एक ऐसी रानी की है जिन्होंने गणित का उपयोग करके एक पूरे राज्य की निर्मिति की थी। चलिए देखते हैं किस प्रकार उन्होंने प्राचीन काल में भी आधुनिक गणित का उपयोग किया था। ईस्वी सन 1814 उत्तरी अफ्रीका में रानी डाइडो ने कार्थेज नामक राज्य बसाया था। डाइडो एक बहुत होशियार और उद्यमी रानी थी जो अपने पति के साथ टायरिया में एक समृद्ध और प्रभावशाली राज्य में राज्य करती थी। एक अंधेरी रात डाइडो का भाई पिग्मेलियन शाही महल में घुसकर राजा का कत्ल कर देता है। जैसे ही डाइडो को इस बात की खबर मिलती है, वह अपने क्रूर और निर्दयी भाई से बचकर कुछ वफादार साथियों के साथ भाग जाती है। डाइडो के इस लंबे सफर में वह छुप छुप कर कई राज्यों को पार करती है। आखिरकार डाइडो और उनके साथी उत्तरी अफ्रीका के तट पर पहुंचते हैं। वहां के बर्बर राजा से एक छोटी सी भूमि की मांग करते हैं। दयालु बर्बर राजा इस मांग के लिए सहमत हुए और वह कितनी भी जमीन देने के लिए तैयार हुए। चतुर डाइडो ने एक बैल की खाल की जितनी ही जमीन की मांग की। यह सुनकर सारे दरबारी आश्चर्यचकित होकर हंसने लगे। एक मंत्री ने डाइडो को यह सवाल किया कि इतनी छोटी जमीन में अपना और अपने साथियों का गुजारा कैसे कर लेगी। अगले दिन डाइडो ने बैल की खाल लेकर उसकी पतली पट्टियां काटने लगी। सभी दरबारी इस प्रक्रिया को निरीक्षित कर रहे थे। डाइडो ने फिर उन पतली पट्टियों को जोड़कर एक बहुत ही बड़ा इलाका नाप लिया। इसमें पर्वत से लेकर नदियां तक, वनों से लेकर खेत खलियां भी समा गए। एक दुखद अतीत और इतने संघर्षों के बाद गणितीय बुद्धिमत्ता के साथ निर्मित हुई एक अप्रतिम राज्य जिसका नाम था कार्थेज। क्या रानी डाइडो की कहानी वास्तविक इतिहास है या काल्पनिक कथा है, ये जानना तो मुश्किल है। परंतु इस कथा ने गणित विषय का एक नया अध्याय ही निर्मित किया जिसे हम आज कैलकुलस के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार रानी डाइडो ने निश्चित सीमा के भीतर अधिकतम क्षेत्र को घेरा, उसी समस्या को आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम या क्वीन डाइडोज प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। आज भी उत्तरी अफ्रीका के तट पर तुनीशिया नामक एक विशाल और अप्रतिम देश है जिसको बैल की खाल से घेरकर गणितज्ञ क्वीन डाइडो ने बनाया।